डीग को जिला बनाने की मांग 8वें दिन जारी और आज न्यायालय परिसर में संविधान दिवस मनाया गया। डीग को जिला बनाने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन डीग द्वारा चल रहे आंदोलन के तहत अध्यक्ष आनंद प्रकाश पटेल के नेतृत्व में आज 8वें दिन लगातार धरना जारी रहा। धरना स्थल पर पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कुक्कन, वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मवीर सिंह फौजदार, रमाकांत शर्मा, मानवेंद्र सिंह गुर्जर, महावीर यदुवंशी, केहरी सिंह, डीड राइट खूबचंद, चाहर मान सिंह, नगला फौजदार, बब्बल सैनी, छोटू चौहान आदि बैठे धरना स्थल पर। आज अध्यक्ष आनंद प्रकाश पटेल की अध्यक्षता में संविधान दिवस भी मनाया गया और भारतीय संविधान के इतिहास और आजादी से लेकर आज तक उसके चरणबद्ध विकास, संवैधानिक संस्थाओं के संरक्षण, उनकी समाज में भूमिका, वर्तमान में संविधान के लिए चुनौतियां आदि पर विचार प्रकट किए गए। एसोसिएशन के द्वारा हम डीग को जिला बनाने के लिए धरने का आज 8वां दिन है। 8 दिन आज पूरे हुए। कल हम अपनी अगली रणनीति बनाने के लिए, कार्य योजना बनाने के लिए कल एक बैठक करेंगे, उसके बाद हम आगामी रणनीति पर अमल करेंगे। डीग को जिला बनाने के संदर्भ में बार एसोसिएशन डीग की तरफ से ये धरना रेगुलर चल रहा है और आगे की रणनीति के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने जैसा बताया वो अभी तय करेंगे, क्योंकि डीग जो जिला बनने के लिए जितनी भी शर्तें हैं वो पूरी डीग उन शर्तों को पूरा करता है। पूरे मापदंड जितनी भी जिला बनाने के चाहिए उनके लिए पूरा करता है, क्योंकि इसमें आर्थिक जो एक व्यवस्था है तो तकरीबन राज्य सरकार पर 1000 करोड़ का बजट आता है, जिसमें से हमारे पास 500-600 करोड़ का पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो चुका है जो, और हमारे पास गवर्नमेंट की जो भूमि है वो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, जो कहीं भी किसी के पास नहीं है। तो राज्य सरकार को कहीं किसी भी तरह का मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ एडिशनल SP ऑफिस, RAA कोर्ट, SDM कोर्ट, तहसीलदार, ADM कोर्ट, पंचायत समिति की बिल्डिंग पहले ही बन चुकी है, कोतवाली नई बन चुकी है, उनके क्वार्टर्स भी बन चुके हैं और वहीं पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़मीन है, जिसमें आराम से SP ऑफिस, एडिशनल SP ऑफिस, कलेक्ट्रेट का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए मैं समझता हूँ तकरीबन राज्य सरकार पर केवल 500 करोड़ का बजट आता है और वो एक जिला बनाने के लिए राज्य सरकार को कोई विशेष मायने नहीं रखती, क्योंकि और बाकी जितनी भी हमारी शर्तें हैं जिला बनाने की है वो हमारा पहले से ही पूरी हम कर रहे हैं। और हमारा एक संवैधानिक अधिकार भी है कि हमको अपने जिले बनाने के लिए हमारी ये पूरी शर्तें जिला बनाया जाए और हमारी मांगे मानी जाए। वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ, तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।